क्या आपको पता है मुंबई के सौरभ नेत्रवलकर जो आज अमेरिका के हीरो बन गए हैं क्रिकेट के, अमेरिकन क्रिकेट के, वो अपना क्रिकेट का शूज ले जाना भूल गए थे। जी हाँ दोस्तों, सौरभ नेत्रवलकर जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है, वो अपना क्रिकेट शूज नहीं ले गए। और उनका फोकस जब अमेरिका शिफ्ट होने का था तो वो गए थे वहां पर प्रोफेशनल करियर आईटी इंडस्ट्री में बनाने के लिए, एंड देन ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले फॉर अमेरिका, एंड नाउ यू कैन सी व्हाट एग्जैक्टली इज डन। और एक स्टेज पे उन्होंने अमेरिका को लीड भी किया था, और ये वीडियो में वही है कि भाई हमने सौरभ नेत्रवलकर से बात की है, एंड दिस वॉज डन बिफोर, एंड ही इज कम आउट विद अमेजिंग स्टोरी ऑफ हिज लाइफ फ्रॉम मुंबई टू अमेरिका। जबरदस्त फैसिनेटिंग स्टोरी। और आज सौरभ नेत्रवलकर की बात इसलिए हो रही है क्योंकि सौरभ नेत्रवलकर ने एक जबरदस्त परफॉर्मेंस, ग्रेट परफॉर्मेंस दिया पाकिस्तान के सामने, और एक हिस्टोरिकल जीत हासिल कराई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को एक क्रूशियल गेम में, ग्रुप ए के गेम में, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में। पहले उन्होंने 4 ओवर डालकर 2 विकेट निकाली और बहुत ही इकोनॉमिकल 18 रन दिया कल के मैच में। उसके बाद उन्होंने सुपर ओवर में एक जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया जहां पर अमेरिका ने पहले बैटिंग की, 18 रन दिए, उसके बाद 13 रन दिया सौरभ नेत्रवलकर ने और एक विकेट भी निकाली। उसके पहले मैं बता दूं, 2 विकेट क्रूशल निकाली थी सौरभ नेत्रवलकर ने, जो थे मोहम्मद रिजवान और इफ्तिकार अहमद। उसके बाद अगले सुपर ओवर में भी एक इम्पैक्ट क्रिएट किया था, उन्होंने एक विकेट निकाली थी, मगर दैट विकेट एंड देन दैट ओवर मेड हिम अ हीरो फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अभी बड़ा मैच तो आने वाला है टीम इंडिया के सामने, मगर ये जो जीत हासिल की है पाकिस्तान के सामने, इट हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। इट विल ऑल्सो चेंज द नैरेटिव whether America is interested in cricket or no, it will create a great impact to American cricket, और शायद यहाँ से बदलाव दिखेगा हमको American cricket में। तो सौरभ नेत्रवलकर will be one of the heroes to be remembered for his spell last night, for his super over last night, but आगे देखते हैं क्या वो इंडिया के लिए कर पाते हैं। वैसे ये कन्वर्जेशन में आपको सौरभ नेत्रवलकर के साथ डीप कन्वर्जेशन आपको देखने मिलेगा, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी पर्सनल, मजा आएगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब CricketNext.com, वेर यू गोना गेट अ लॉट ऑफ स्टोरी फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। इंडियन प्लेयर ऑल्सो और अमेरिकन कैप्टन सौरभ नेत्रवलकर। सौरभ, अमेरिका लीड कर रहा है, तुम कैसा लग रहा है? नहीं, प्राउड फीलिंग है ऑफकोर्स, कोई कंट्री के लिए आप खेलते हो तो ऐसा लग रहा है कि लाइफ ने एक नया चांस दिया है एक खेलने का, तो बस 100% देना है। अच्छा टीम बिल्ड हो रहा है हमारा, डिवीज़न 4 में थे हम लास्ट ईयर से, जीत जीत के अभी ओडीआई नेशन हम बने हैं। यहाँ से कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके गए थे अमेरिका एक करियर बनाने एज एन इंजीनियर, एंड क्रिकेट हैपेंड बाय चांस एंड पीपल हैव रेड स्टोरी तुम्हारे बारे में पढ़े, तो वो कैसे एग्जैक्टली क्रिकेट बाय चांस हो गया कि वो डेस्टिनी में था तुम्हारे? या टू बी फ्रैंकली, मैं तो बस मेरे मास्टर्स के लिए गया था US में 2013 में। मेरा जो बैचलर्स का डिग्री है वो मैंने पूरा किया, और तभी मैंने फिर 2 साल पूरा क्रिकेट को दिया मुंबई में। तो 13-14 में मैंने मुंबई के लिए डेब्यू किया था फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और 2 साल अच्छे खासा खेला। फिर 15 में रियलाइज़ हुआ कि यू नो नेक्स्ट लेवल में मैं पहुंच नहीं रहा था यहाँ पे, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि पढ़ाई पे फोकस किया जाए, क्योंकि एजुकेशन में मेरा अच्छा था पहले से ही, और अच्छे कॉलेज में भी, मान लीजिए न्यूयॉर्क में एडमिशन वहाँ मिला, तो मैंने वहाँ डिसीजन लिया कि जाके पूरा मैं मेरे क्रिकेट के जूते भी नहीं ले गया था, कुछ भी नहीं ले गया था US में। तो वहाँ गया पढ़ने के लिए, तब वहाँ कुछ देखा मैंने कि कुछ स्टूडेंट्स खेल रहे थे टेनिस बॉल, खेलने लगा फ़न के लिए, तब मालूम हुआ कि कॉलेज के मैचेस भी होते हैं, तो खेलने लगा फ़न के लिए। तो धीरे धीरे से फिर सैन फ्रांसिस्को में जॉब मिला ग्रेजुएशन के बाद, वहाँ देखा कि क्लब क्रिकेट भी होती है वीकेंड्स में, तो वीकेंड्स में खेलना स्टार्ट किया सोशली। तब चांस बाय चांस जैसे फ्लो होता गया आता गया, वैसे अपॉर्चुनिटीज मिलते गए, और एलिजिबिलिटी के लिए यू हैव टू स्टे इन US फॉर 3 years, 3 साल रहना पड़ता है, तो वही मैंने फिर 2 साल ट्रेनिंग किया पूरा जी लगा के, और वही परफॉर्म करते गया जो US में लोकल टूर्नामेंट्स होते थे, ट्रैवल करते गया अपने फुल टाइम जॉब के साथ करते रहे। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टीम है ना ये बेसिकली, क्योंकि हर जगह से हर कोने से आते हैं। एडवांटेज है कि बहुत डाइवर्सिटी है टीम में,
लाइक तीन चार प्लेयर्स है जिसका वेस्ट इंडियन बैकग्राउंड है, रश्टी है जो साउथ अफ्रीका के लिए खेल चुका है, फिर हम तीन चार लोग हैं जो इंडिया में अच्छा खासा क्रिकेट खेल चुके हैं, फिर इंग्लिश एक्सपीरियंस वाले है, कोच हमारा न्यूजीलैंड का है। सो एक काफ़ी कल्चर्स का मिलावट है, दूसरे के बैकग्राउंड से सीखने मिलता है कि सब अलग अलग एटमोसफेयर में अपना क्रिकेट सीखते हैं और एन्जॉयमेंट होती है। टू वेयर दिस जर्सी इटसेल्फ इज़ अ प्राउड फीलिंग। अंडर 19 में आई गॉट द प्रिविलेज टू वेयर द इंडियन जर्सी, दैट इन इटसेल्फ वाज अ हेवनली फीलिंग फॉर मी, और इट्स लाइक यहाँ पे एक दूसरा मौका मिल रहा है। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, मैं तुमको बोलने बोलूँगा, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।